प्रदेश भर में हुए जाट आरक्षण की आड़ में लूटपाट और आगजनी से हर शख्स दुखी है और जनता में खासा रोष बना हुआ है। आज पानीपत के लघु सचिवालय में जिला बार एसोसिएशन के सभी वकीलों ने इकट्ठा होकर लूटपाट और आगजनी करने वालों के साथ उनका सहयोग करने वाले नेता और अधिकारियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन पानीपत उपायुक्त के नाम सौंपा। आज के अंदर जितने भी ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने उपद्रवीकारियों को पीठ थपथपाई है, उनके आमे आम मिलाई है, प्रशस्ति पत्र दिए हैं, क्या उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए? एक नहीं होने चाहिए। उनका सस्पेंशन काफी नहीं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके ताकि आने वाले समाज में ये जो बहका माहौल बनाया है और ये बिरादरी और बिरादरी की भाई, एक बिरादरी और 35 बिरादरी, ये किस किस्म का समाज लेकर के आ रहे हैं प्रदेश के अंदर। और इनके मैं एक हो रहे इसके माध्यम से जितने भी पुलिस ऑफिसर, यहाँ के पुलिस ऑफिसरों को आप जानते हैं, मुझे नहीं पता इसमें जोगेंद्र राठी DSP है उसके पत्रकार, ये आपको ही दी हुई बाइट है, उन लोगों की स्टेटमेंट, उन नेताओं की स्टेटमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, क्या ये देशद्रोह फैलाने के लिए वाजिब नहीं है? पानीपत से जाट TV न्यूज के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।